celebration of Constitution Day. We live in India, a proud citizen of India. The constitutional values are imbibed. The preamble itself imbibes the values of the Indian Constitution. The day is to be celebrated in all government offices with pomp and show, because we must adhere to the values which are enshrined in the Indian Constitution. Indian Constitution, which is the largest constitution in the world, a written constitution, has to be followed and practiced in true spirit by all Indians. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। Guides a man and guards the man, and I think that's cherishable, said Barack Obama. On 26 November 1949, India adopted the vibrant and democratic constitution it had created for itself. Later, November 19, 2015, the government of India decided to pay a tribute to Dr. B.R. Ambedkar and commemorate the founding of our constitution, and thus duly called 26 November the Constitution Day or the Samvidhan Divas. Every year on 26 November, we celebrate the uniqueness that our constitution carries and deepen the impact it has created on the world. Thank you. हमेशा सम्मान देता है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मूल्यवान धरोहर है, अतः हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। पहला, संविधान का पालन हो और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर हो। स्वतंत्रता के नए बनाए गए उच्च आदर्शों का पालन हो। देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना का निर्माण हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग हो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक विचारों का मानववाद तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं।